हेलो स्टूडेंट आई एम तमन्ना फ्रॉम विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल भूना टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर थर्टीन इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट देखिए आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है या फिर इसके कंपोनेंट क्या होते हैं ठीक है क्या आप इलेक्ट्रिक सर्किट को पेपर की शीट पे ड्रॉ कर सकते हो और वाइड बल्ब ग्लो जो बल्ब ग्लो करते हैं वो क्यों करते हैं ठीक है जब हम उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं या फिर हम स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टीज क्या है हाउ एंड वेयर डू वी मेक यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट का यूज हम कहां, कहां कर सकते हैं आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे इन सभी क्वेश्चन का आंसर हमें इस लेसन में मिल जाएगा और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बट आज का हमारा टॉपिक ओनली इतना है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम लेट वी स्टार्ट इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम यू हैव लर्न इन द अर्यर क्लास दैट एन इलेक्ट्रिक करंट इज एन अनब्रोकन पाथ थ्रो विच अ इलेक्ट्रिक करंट कैन पास आपने अर्लियर क्लासेज में पढ़ाया की इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा पाथ है जिसमे से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है ठीक है समटाइम्स वाइल स्टरिंग इलेक्ट्रिक सर्किट सर्किट डायग्राम कैन बी मिस रीड देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़ते वक्त सर्किट डायग्राम मिस रीड भी हो सकते हैं लीडिंग टू वेरी सीरियस एंड डेंजरस कंसिक्वेंस मतलब कि जो सीरियस और डेंजरस कंसिक्वेंस हो सकते हैं ठीक है इलेक्ट्रिक सर्किट को जब मिस रीड कर लिया जाए तो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव स्टैंडर्ड मेथड फॉर ड्रॉइंग सर्किट डायग्राम मतलब कि सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए स्टैंडर्ड मेथड होना चाहिए ताकि इसे रीड कर सके और इजीली अंडरस्टैंड कर सके देखिए डेफिनेशन देखते हैं क्या हैच वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ द सर्किट आर रिप्रेजेंट बाय स्टैंडर्ड सिंबल देखिए सर्किट डायग्राम एक ऐसी सर्क, इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है जिसमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट आ, को रिप्रेजेंट करते हैं हम उनके स्टैंडर्ड सिंबल से तो उन सिंबल्स को हम देखते हैं आप देखिए कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड देयर स्टैंडर्ड सिंबल्स दिस इज सेल सेल का सिंबल इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन बड़ी लाइन जो पॉजिटिव को शो करेगी और छोटी लाइन नेगेटिव को दिस इज बैटरी बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ठीक है वो आपको पता है बड़ी लाइन पॉजिटिव को और छोटी लाइन नेगेटिव को नेक्स्ट देखिए स्विच ठीक है ओपन स्विच क्लोज स्विच दिस इज ओपन दिस इज क्लोज इस तरह से ओपन है अगर दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए तो क्लोज दिस इज लाइट बल्ब ग्लो करेगा इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइट बल्ब को ठीक है वायर वायर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी टू ड्रॉ ए सिंपल सर्किट डायग्राम ठीक है सिंपल सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना है हमें शीट ऑफ पेपर चाहिए शार्प पेंसिल चाहिए मेथड क्या है यूज द सिंबल गिवन इन द टेबल दब टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर द सर्किट शोन इन थर्टीन पॉइंट वन देखिये इस तरह से हमें सिंबल्स का यूज करना है कंक्लूजन क्या है तो सर्किट डायग्राम है अब सर्किट विल लुक लाइक अ फिगर ए मतलब इस तरह से ये सेल है और बल्ब ग्लो कर रहे ठीक है थीके? तो इस तरह से हमने बल्ब लगा दिया की क्लोज कर दी तो बल्ब क्या करने लग जाएगा ग्लो कर जाएगा ग्लो करने लग जाएगा ठीक है कॉम्पोनेंट ऑफ इसके कॉम्पोनेंट क्या है द बेसिक कॉम्पोनेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ठीक है सेल लगा दिया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहां भी लगा हुआ है दिस इज स्विच स्विच को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज स्विच को दिस इज बल्ब बल्ब को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टिंग वायर्स विदाउट डिक्शनरी सॉरी डिसकॉन्टिन्यूटी मतलब कि जो डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं होनी चाहिए अगर डिस्कटिन्यू हो गई तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा इलेस्ट्रेट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट देर आर ऑल्सो मैनी ऑप्शनल कॉम्पोनेट कुछ ऑप्शनल कॉम्पोनेट भी हो सकते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब स्विच और इलेक्ट्रिक एप्लीयस ये तो है ही इनके अलावा कुछ ऑप्शनल भी हो सकते हैं तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक सर्किट ठीक है और उसके कॉम्पोनेंट या फिर इलेक्ट्रिक uh, सर्किट के कॉम्पोनेंट को किस तरह से हम स्टैंडर्ड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखे हमने नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थैंक यू बाय बाय कीप स्टडिंग